चुतिया पा बंद करो चुतिया पा। सो हिट्स गाइस, तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं क्रेजी FFX के बारे में, ठीक है। तो गाइस जैसे अब सबको पता है, कुछ समय पहले जो क्रेजी FFX हैं, ठीक है, वो गिल्ड से लीव हो गए थे, उनको गिल्ड से बैन कर दिया था, ठीक है। एंड किस कारण क्या था ये सबको पता है कि मतलब जो क्रेजी FF और इनकी मतलब लड़ाई हो गई थी, एंड वो इसका नंबर वायरल कर रहा था और ये उसका, ठीक है। तो ऑब्वियस दोनों बंदे को गिल्ड से बैन करना चाहिए, बट एनजी वालों ने सिर्फ एक गिल्ड से बैन किया, ठीक है, मतलब एक बंदे को बैन किया। एंड गाइज किक करने की सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट है, ठीक है, वो यही है कि जो यादव जी, ठीक है, एनजी गिल्ड के मैनेजर, उन्होंने एक बार भी नहीं मतलब दोनों को बुला के पूछा कि क्या सीन हुआ था। एकदम से बंदे को किक कर दिया सिर्फ एसएस के दम पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट के दम पे बंदे को किक कर दिया, ना एफ क्रेजी को बुला के पूछा कि मतलब क्या सीन हुआ था उनको क्या नहीं। सिर्फ सामने वाले बंदे ने जिससे लड़ाई हुई थी, ठीक है, उसने एसएस लिया एंड उनको भेज दिया एंड डायरेक्ट किक कर दिया। यार बंदा ग्रुप या मतलब जो गिल्ड मैनेजर है, ठीक है, उन्होंने यादव जी उसको मतलब क्रेजी को एक बार ग्रुप में बुला के भी नहीं पूछा कि मतलब क्या सीन हुआ था उनका क्या नहीं हुआ था, ठीक है। तो गाइस यहाँ सबसे बड़ी मतलब गलती है एनजी गिल्ड वालों की, ठीक है। जो बंदा तुम्हारी गिल्ड में रहे, तुम्हारी गिल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसको आप बगैर बुलाए, अगर आप वो बंदा मैसेज भी कर रहा है यादव को कि भाई बुला लो या गिल्ड में ले लो, तो बंदा ग्रुप में भी नहीं जा रहा है, ठीक है। एंड गाइस चले जाते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पे। कुछ बंदे इनको मतलब क्रेजी का मैसेज कर रहे हैं कि ये सब तूने व्यूज़ के लिए कर रहा है, ठीक है, एनजी वालों को ऐड कर रहा है। तो गाइस फर्स्ट नंबर पे तो मैं ये बता दूँ, जो क्रेजी है, ठीक है, इसने मतलब मैंने बहुत बंदे देखे हैं जो गिल्ड से निकलने के बाद सामने वाले बंदे को बताने लग जाते हैं कि वो बंदा पैनल यूज़ कर रहा था, हैकर यूज़ कर रहा था गिल्ड के मेम्बर्स के साथ, हैकर ये है वो है, ठीक है। लेकिन गाइस क्रेजी का जो मेन मेन पॉइंट थे, ठीक है, जो वो लगा इसको कि हाँ भाई यही सही है, ये अगर चाहता था क्रेजी तो ये भी बहुत बंदों के पोल खोल सकता था, ठीक है, एनजी गिल्ड वालों के। जैसे कि साफ सबको पता है यार, मैक्सिमम गिल्ड में एनजी के बंदे हैकर हैं, ठीक है, एनजी गिल्ड के मैक्सिमम प्लेयर हैकर हैं, आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन जो क्रेजी है इसने नहीं चाहा, ठीक है, आप सबको पता है जो बंदा गिल्ड में होगा एनजी गिल्ड वालों को, उसको ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रूफ मिल ही जाएगा, ठीक है, कि बंदा मतलब एनजी गिल्ड के हैकर हैं कि नहीं है। एंड गाइस लेकिन इस बंदे ने एनजी गिल्ड के मेंबरों को हेट नहीं किया, ठीक है, बस जहां मतलब उन लोग की गलती थी वहां इसने पॉइंट आउट किया, नॉट गेम प्ले। लेकिन एनजी गिल्ड वालों को देखो, जब तक ये बंदा क्रेजी मतलब गिल्ड में था उनके, तब तक सही था, लेकिन जैसे ये बंदा निकला तो ये बोल रहे हैं कि जो मतलब क्रेजी था, ठीक है, ये अपनी आईडी से किसी और को खिलाता था। एंड गाइस जब तक ये बंदा गिल्ड में था तब तक ये बात किसी ने नहीं की, जब ये बंदा गिल्ड से निकलता है तो ये बात शुरू हो जाती है कि मतलब क्रेजी अपनी आईडी से किसी और को खिला रहा है। चाहता तो भाई ये भी बंदों को बोल देता कि हाँ भाई वो उसको खिला रहा था, वो उसको खिला रहा था, ये वाला स्पोर्ट उसने खेला है, ये वाला स्पोर्ट उसने खेला है, ठीक है। लेकिन गाइस क्रेजी ने ऐसा नहीं कहा, चाहता तो बंदा भी बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ भी मतलब ये जो बंदे का मेरे को पॉइंट लगा बहुत सही लगा, ठीक है। एंड गाइस जो थर्ड नंबर पर चले आते हैं, बंदे बोल रहे हैं व्यूज़ व्यूज़, ठीक है, ये बंदा व्यूज़ छाप रहा है एनजी के नाम पे। तो गाइस ये बंदा, ठीक है, क्रेजी एनजी गिल्ड में रहने के बाद महीने में एक या दो वीडियो डाल रहा था, ठीक है, मैंने खुद देखा इसकी वीडियोज, एक या दो या तीन, मैक्स तीन, ठीक है, मतलब समझ लो अगर तीन वीडियो डाल रहा है तो 10 दिन में एक वीडियो डाल रहा है, ठीक है। अगर ये चाहता तो एनजी गिल्ड में रह के व्यूज़ बहुत छाप लेता, लेकिन गाइस इसने नहीं छापे ना व्यूज़। तो गाइस यहाँ जो एनजी गिल्ड वाल जो मतलब जो निब्बे लोग हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं, जो पिकाचू लोग है वो बोल रहा है कि ये बंदा व्यूज़ छाप रहा है एनजी के ऊपर। तो गाइस व्यूज़ छापना तो बहुत पहले छाप लेता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ भी जो पॉइंट है बहुत गलत है, ठीक है, अगर व्यूज़ छापना तो इसको तो बहुत पहले छाप लेता जब ये एनजी गिल्ड में इतने टाइम से रह रहा है। लेकिन गाइस उस समय पे इसने वीडियो नहीं डाली कि मतलब मैं गिल्ड में हूँ, मैं ये वो, ठीक है, चाहता था उस समय भी व्यूज डाल लेता, लेकिन गाइस इस बंदे ने नहीं डाली। एंड गाइस जो एक पॉइंट है कि मतलब दो बंदों ने एक दूसरे का नंबर वायरल किया था। गाइस जब इन लोगों का सीन हुआ तो क्रेजी के पास बंदे आते हैं एनजी गिल्ड के मेंबर, ठीक है, वो इसको बोल रहे हैं कि उसने तेरा नंबर वायरल किया, कोई बात नहीं, लेकिन तेरे को उसका नंबर वायरल नहीं करना चाहिए था, मतलब वो भगवान है क्या, मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, कुछ भी मतलब है। एंड गाइस मतलब अभी के समय मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो क्रेजी है, ठीक है, ये अपने मतलब जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, मतलब इसने यार हेट किया ही नहीं है किसी को, ठीक है, मैं सीधी सी बात करूँ तो ये बंदा किसी को हेट नहीं कर रहा है। ये मतलब जो इसने जो पुरानी वीडियो डाली उसमें भी इसने मतलब बोल दिया कि मैं गिल्ड से निकलता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो मेरे को नॉन स्टॉप तक पहुँचा दो, ठीक है, जिससे आने वाले समय पर जो एनजी गिल्ड में जाना चाहते हैं 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करके,
वो मतलब कुछ सोच के ही आए हैं, ठीक है। मतलब बंदे 3 साल मेहनत करके जाते हैं और 1 महीने में कुछ ऐसा सीन हो जाता है, बंदे की 3 साल की मेहनत ख़राब चल जाती है, ठीक है। जो बंदे हार्डवर्क करके खेल मतलब हार्डवर्क करके इतना जाते हैं एनजी गिल्ड में, सबको पता है जो एनजी गिल्ड का वो है, ठीक है, जाने का जो मेथड है मतलब कितना हार्ड है, ठीक है। 1v6 1v4 करके जाना पड़ता है, ठीक है, वो भी रेड नंबर से। तो गाइस सबको पता है कितना मुश्किल है। एंड गाइस जो बंदे 3 साल लगाने के बाद चल जाते हैं 10-15 दिन में किक को जाते हैं, तो उनको यही बोल रहा है कि एनजी गिल्ड में सुधार लाओ, मेंबर्स जो भी हैं, ठीक है, गिल्ड मेंबर उनमें सुधार। एंड गाइस एक बात और, जो इसने पिछली वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसमें इसने बंदे ने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला है, ठीक है। नहीं, बहुत बंदे मैंने देखे हैं जो आके मतलब गिल्ड से लीव होकर बंदे बोलने लग जाते हैं कि झूठ झूठ ही बोलने लग जाते हैं कि हाँ एनजी गिल्ड में ये है, बंदे सही नहीं थे, ठीक है। पीएन गिल्ड के बहुत बंदे निकल रहे थे, तो आप सबने देखा होगा कि मतलब बोल रहे थे कि हाँ उसमें मतलब जो पीएन गिल्ड का लीडर है, ठीक है, हर्ष है, ठीक है, वो हमें किसी बात खेलने नहीं देता, ये नहीं करने देता, वो नहीं करने देता, ठीक है, बहाने लगाने लग जाते हैं। बट इस बंदे ने जो भी पॉइंट बोले हैं कि मतलब जो जो हुआ था, इसने अपनी गलती भी मानी थी कि हाँ मैंने मतलब नंबर वायरल किया था सामने वाले बंदे का, उसने मेरा किया था तो मैंने उसका किया था, लेकिन फर्स्ट वही था, ठीक है, तो इसमें गलती इसकी नहीं निकलती है। एंड गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, 6 मिनट की वीडियो होगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।